है बेटा, बहुत स्ट्रिक्ट लाइन में अगर आगे पीछे तो चिल्लाना चालू कर देता है, इसका रूल फॉलो करना पड़ता है। मिनिस्टर है तो भी क्यों में कड़ाना है। आप लाइन पे आते हैं, अब पैसे हम ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर के हिसाब से हम इडली डोसा, पहले इडली आता है, फिर राइस और काली डोसा और बाद में मसाला डोसा आता है। तुमको से आया इधर स्पेशली इधर खाने के लिए? आंध्रा से आए। बढ़िया नाश्ता है और मैं 365 डेज ऑलमोस्ट 300 डेज पर ईयर आ रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स। एक बार टेस्ट लिया तो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। हाउ मच एवर यू हैव टिल द आफ्टरनून यू वोंट फील लाइक यू हैव हैड एनीथिंग। बैंगलोर का सबसे बेस्ट है नाश्ता में बटर लाकर गाव, हम में घी बनाता है, होम मेड प्योर घी, उसी से डोसा बनता है, इसलिए टेस्टी। ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಶುಚಿ. ಹಾ, ದೋ ಲೈನ್ ಲಂಬ ಲೈನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಿಲ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಂದನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಬ್ ಲೋಕ್ ಗರ್ಕ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಔರ್ ಇದರ್ ಕಾ ಖಾಸಿಯತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಪೂರಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನಹೀ ಮಿಲೇಂಗ, ಐಸಾ ಹೋಟಲ್ ತೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಹೋಟಲ್. Siddhapur hotel is great. I don't know how many people have identified this. This is the one place people are every time coming and eating. In other places you can go instantly food. Here I'll wait for half an hour to take the food. 25 saal se aa raha hu idhar. 25 years se aa raha hu. 25 years se abhi tak same taste hai. Bangalore mein itna hazaron hotels hai. Lekin idhar ye hotel mein aisa kyu kade ho ke? लाइन लाइन पे खड़े होके वन आवर मैं इधर 6:15 को आता हूँ, 7:30 को इधर ही बैठ के हम वेट करके काके आ जाते हैं। इधर क्या है, सभी हमारा फैमिली लोग जैसे हो गए, 25 ईयर से सभी ग्रुप से ये सिद्धप्पा फ्रेंड्स ग्रुप हो गया है हमारा। आप समझ सकते हैं 25 ईयर से कंटिन्यूस आ रहा हूँ, बोले तो टेस्ट कैसा होगा। नमस्कार, हमारा नेम सिद्धप्पा है, नाम है हमारा जो रोड दोनों भी मिला को शुरू करे है। आइटम तो 7 चावल का आइटम बना रही रोज एक एक। टाइमिंग 8:30 बजे खोलेंगे, 11:30 बजे मूछेंगे। ये कौन सा आइटम है रे? चटनी। डिफरेंस है हमारा टेस्ट और हमारा घी अम्मी बनाता है ना, इसलिए, और हमारा चटनी और साग भी उतना ही टेस्टी होता है ना इसलिए, और डोसा भी बहुत क्रिस्पी होता है, लोग बोलते हैं हमने। आप लाइन पे आते हैं, अब पैसे हम ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर के हिसाब से हम इडली डोसा, पहले इडली आता है, फिर राइस और काली डोसा और बाद में मसाला डोसा आता है। मसाला डोसा लाइन अब कैसे लाइन में आता है ना, उसी हिसाब से आता है। वीकडेज पर 8:30 to 11:30 रहता है, सिर्फ संडे 7:30 to 11:00। जब मैं छोटा बच्चा था तब से रोज सुबह उठता था और पापा किधर है, सिद्धप्पा होटल गए हैं, बस वैसे होता था। और मैं सेकंड जनरेशन हूँ जो इधर आ रहा हूँ। ये सिद्धप्पा जो है दूसरे ही माहौल है, दूसरे अलग ही छोटा दुनिया है। सुबह रोज सुबह उठेगा वेरी अर्ली एंड देन यू कम हियर इन दिस लाइन, पूरा ठंड रहेगा और 7:15, 7:30 अंदर छोड़ेगा आपको, गर्मा गर्म इडली, गरम सागो, चटनी, स्पाइसी चटनी, आप खाएगा तो सेटिस्फैक्शन, संडे सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। और इडली को सागो देने वाला होटल बहुत कम है, उसमें ये एक है। हाँ, सागो नहीं देते हैं बैंगलोर में, तो सिर्फ इडली सांभर देते हैं, इधर इडली सागो चटनी देते हैं और बहुत मस्त रहता है। ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅಪ್ಪ ನಾಮ ಸರ್, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಂದನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಬ್ ಲೋಕ್ ಗರ್ಕ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಘರ್ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಹೈ।
रईस मतलब अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड है वो मसाला डोसा राष्ट्र में एक काम देता है बस। बिल वगैरह कुछ नहीं है, खाते जाओ और बाहर जाके बोलना है ये खाया है तो बिल वो पैसा ले लेगा बस। नमस्कार। अरे इतना डिमांड क्यों है मसाला डोसा का? घी में बनता है हम लोग की। हाँ क्या बोलता है बेटने? हाँ बटर लाकर गाँव हमें घी बनाता है, होम मेड प्योर घी, उसी से डोसा बनता है। हाँ इसलिए टेस्टी घी वाला बस। इसलिए इतना स्पेशल है डोसा, सभी होम मेड है ना इसलिए। कहाँ से आ रहा है आप? ओडिशा। ओडिशा और इधर का खासियत क्या है? पूरा मसाला डोसा नहीं मिलेगा, कोई इन्फ्लुएंस किया तो भी पूरा मसाला डोसा नहीं देता और पार्सल को भी मसाला डोसा नहीं देता। ऐसा होटल तो इन बैंगलोर आई थिंक इन इंडिया दिस इज़ द ओनली होटल। सिद्धापुर होटल इज ग्रेट। एक ही फैमिली है, वो मेरे भैया भाभी सब फैमिली लोग हैं। हाँ सभी आइटम फैमिली होममेड, एक ही तरफ क्वालिटी क्वांटिटी एक ही तरफ मेंटेन करने कर आया है हम लोग, इसलिए टेस्टी होता है और डिमांड होता है, लोग लाइन में लगे हैं। भगवान का आशीर्वाद, हमारा माँ का आशीर्वाद। पुदीना वो सभी डालकर टेस्टी चटनी बना लिया। थोड़ा थोड़ा ही कम डोसा के लिए वेटिंग कर रहे हैं। जो नाश्ता करते हैं उनको डोसा नहीं मिलता, नहीं उनको मसाला डोसा नहीं मिलता। हाँ दो लाइन है, लंबा लाइन मसाला डोसा मिलता है, छोटा लाइन विदाउट मसाला डोसा। यार अर्जेंट इदे और अल्ले ईचे इडली रईस तुपा काले ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಮಸಾಲೆ ಇದಿಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಬೇಕು इसका नाश्ता इतना गरम गरम रहता है और इसका नाश्ता करने से पेट ख़राब नहीं होता है, इसके लिए लोग इसके पास बहुत दिनों जाते हैं। अरे बेटा बहुत स्ट्रिक्ट लाइन में अगर आगे पीछे तो चिल्लाना चालू कर देता है, इसका रूल फॉलो करना पड़ता है। साइज़ पे करेंगे ए भाई। घर में खाना बनता है और सब घर के आदमी सप्लाई करते हैं, करीबन 150 आदमी नाश्ता करने जाते हैं और 150 पार्सल जाता है। इसका सिस्टम एक ही है और गर्मा गर्म खिलाता है, लोगों का पेट खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया नाश्ता है और मैं 365 डेज ऑलमोस्ट 300 डेज पर ईयर आ रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स। एक बार टेस्ट ले तो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। आफ्टरनून यू वॉन्ट फील लाइक यू हैव हैड एनीथिंग। बैंगलोर का सबसे बेस्ट है नाश्ता में, खाली।
हम 80 किलोमीटर से आए इधर तुमकुर से आए इधर हाँ खाना उतना अच्छा रहता है डोसा स्पेशल है एक बार खाने के बाद हर रोज आने का होता है मन लगता है 25 years से आ रहे हैं हाँ हाँ रेगुलर विच फैमिली आ रहा है अकेला नहीं विच फैमिली आ रहा है मिनिस्टर है तो भी क्यों में कड़ाना है वो कितना बड़ा आदमी रहे तो भी क्यों में इच्छाना है किसको भी इन्फ्लुएंस कुछ नहीं रहता ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಶುಚಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸವಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ದಿನಾ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಣ್ಣೆಕಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಡ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 55 ಏಕ್ ಗೀ ಕಾಲಿ ದೋಸೆ 35 ಡಬಲ್ ಗೀ ಕಾಲಿ 50 ಹಾಫ್ ರೈಸ್ 30 ಇಡ್ಲಿ 2 pieces 30 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೀ 1 spoon 15 rupees फर्स्ट टाइम जितना सुना था अच्छा है खाने का टेस्ट वगैरह सब लोकेशन आता है सिंपंगी रामनगर कॉरपोरेशन सर्कल बोलते हैं एस आर नगर सीधा पोर्टल पहुंचेंगे तो आते हैं आंटी आते आप लोग आकर अब मैं इसलिए प्यार से बातचीत किया और एडवर्टाइजमेंट या क्या किया इंटरव्यू हमको बहुत खुश हुआ वंस मोर थैंक यू थैंक यू